100 सुनार की तो एक लोहार की, 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। ये कोई गांव रक्षक, ये कोई बजरंग दली, ये कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करता। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। एमआईएम विधायक और मजलिस के फायर ब्रिगेड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी जब भी भाषण देते हैं तो भगवा खेमे में खलबली मच जाती है। ये मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद, ये नारे नारे लगाकर मारने वाले क्यों मार रहे हैं? हम अल्लाह के नाम लेने वाले हैं इसलिए मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्यों मार रहे हैं? कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और अगर इस वजह से मारा जा रहा है, तो ये शहादत हकीकी है। क्या है? शहादत हकीकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू मुझे तेरी राह में शहीद होने का मौका दे दे। क्या आपकी नहीं है नौजवानों? अल्लाह के राह में शहीद होने की है या नहीं? है या नहीं? जोरदार आवाज में लगाओ, अल्लाह की राह में शहीद होने तैयार हो? नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अब देखते हैं मारने वालों में हिम्मत है या हम शहीद होने वालों में हिम्मत है। मार लो जितना मारते, मुस्कुराते मुस्कुराते हम मरेंगे, और मरते मरते हम सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह कहेंगे। कहेंगे ना नौजवान? चाहे कुछ हो जाए, शहादत नोश फरमा लो, मगर उनके जुल्म के आगे झुको नहीं। वो नारा कुछ भी लगाओ, बोलो, तुम्हारी जबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही निकलता रहे। अगर ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा तो खुदा की कसम, ये कोई गांव रक्षक, ये कोई बजरंग दली, ये कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की, 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है, अरे खुदा रा, जब तुम्हारा लीडर ऐसा है तो तुमको भी ऐसे बनना होगा। बनोगे ना? मैं अकेला कुछ
कुछ नहीं, तुम्हारे बगैर मेरी हैसियत कुछ नहीं, तुम्हारे इत्तेहाद के बगैर मेरी ताकत कुछ नहीं, तुम्हारे दुआओं के बगैर। आओ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम और तुम मिल जाए और इस दुनिया को बता दे कि दुनिया में कोई नहीं जो हमको झुका सके, हमको मिटा सके, हमारी शरीयत को खत्म कर सके। तेलंगाना पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी को उनके भाषण के लिए क्लीन चिट दे दी है और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा लिखने से साफ इनकार कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी मोमलिंचिंग को लेकर चिंतित थे। आपको बता दें, अकबर ओवैसी द्वारा करीमनगर में दिए गए भाषण को लेकर कुछ फिरका परस्त लोगों ने ओवैसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने भाषण सुनकर ओवैसी को क्लीन चिट दे दी है, जिससे एक बार फिर भगवा ब्रिगेड को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन पोलो के नाम पर लाखों लोगों का कत्लेआम। नौजवानों, तुमने गुजरात के फिसादात की दास्तानों को सुना, तुमने मुजफ्फरनगर की तबाही वो बर्बादी की दास्तान को सुना, मुजफ्फरनगर में लुटती हुई इज्जत और आबरू के उन वाकयात को सुना, तुमने हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक 50,000 फिसादात की उन कहानियों को सुना, तबाही और बर्बादी को सुना, या फिर किसी ने देखा भी होगा। लेकिन नौजवानों, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते पुलिस सेक्शन के वक्त या उसके बाद क्या हालात थे। किसी को कुछ नहीं कहूंगा, आज सिर्फ अपनों से मुखातिब हूं। आइंदा जब जलसा होगा तो नाथोराम गोडसे के चाहने वालों से जब मुखातिब करूंगा, न्यू इंडिया के चाय वाले से भी जब मुखातिब करूंगा। लेकिन इस जलसे में मैं सिर्फ अपनों से मुखातिब करूंगा। मॉब लिंचिंग, इतने परेशान हैं आप लोग, कई लोग परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, फिक्रमंद हूं।